नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। मंडलायुक्त तरुण डिगरा ने आज आयुक्त सभागार में जनपद में चल रहे 10 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, CDO संजय कुमार मीना, DFO विकास यादव, CRO सुशील गौड़, SDM सदर मृणाली अविनाश जोशी, तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त डिगरा ने निर्देश दिए कि बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए सभी निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से नौका विहार से चिड़ियाघर का मार्ग और पैडलेगंज से बेतिहाता तक 4 लेन का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए। निर्माण कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी निर्माण कार्य समय सीमा के अंदर पूर्ण किए जाएंगे और गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाए। आम आदमी पार्टी के द्वारा नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पार्टी ने परीक्षा रद्द करने और दोबारा आयोजित करने की मांग की। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। एक छात्र का मार्कशीट फाड़कर फेंक दिया गया और उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि उसके OR मार्कशीट में 715 नंबर के सवाल सही थे। इस घोटाले को हम उजागर करेंगे और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस परीक्षा के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं और आम आदमी पार्टी उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने कहा, देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा नीट, जिसमें हजारों बच्चे, लाखों बच्चे अपना भविष्य देखते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए माँ बाप के अरमानों को, अपने अरमानों को पूरा करने का एक शिद्दत से मेहनत करते हैं, लेकिन इस बार नीट की परीक्षा को किस घोटाले के तहत इसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया और ये बच्चे आज रो रहे हैं क्योंकि इनको पूरा परीक्षा मेहनत और ईमानदारी से दिए थे और जब रिजल्ट आया तो ये परीक्षा से बाहर हो गए। 720 में से 720 67 बच्चे पाए हैं और एक ही केंद्र के 7 बच्चे 720 में से 720 कोचिंग सेंटर के बच्चे पाए, 8 बच्चे पाए हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, एक बच्ची लखनऊ की जो कल से रो रही है और कह रही है कि मेरा OMR सीट फाड़ दिया गया और मेरा रिजल्ट रोक दिया गया, जबकि उसके उस बच्ची के जो OMR सीट है उसमें 715 नंबर तब भी मिले थे और आज भी फटी हुई OMR सीट में भी 715 नंबर मिले हैं, उसका रिजल्ट रोका गया, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग जानबूझ करके पढ़ने वाले तेज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए और जहां से 20 लाख 50 लाख रुपया लेकर के ये लोग इस परीक्षा को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के नेतृत्व में, संजय सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में और आने वाले समय में पूरे देश में इस परीक्षा के कैंसिल कराने के लिए अपना और उग्र आंदोलन करेगी अगर ये नहीं चेतते हैं तो। विजय कुमार श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। अग्रवाल भवन ट्रस्ट के सौजन से मंगलवार को अग्रवाल भवन में 3 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके संबंध में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह अग्रवाल भवन द्वारा आयोजित एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें केवल व्यायाम और योग के माध्यम से लोगों का इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि आप प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता है जिससे कोई साइड इफेक्ट हो। लोग बहुत सारी दवाइयां खाते हैं और उनसे उन्हें साइड इफेक्ट हो जाता है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं बच्चों को कहता हूं कि वे नियमित रूप से व्यायाम करें क्योंकि ये उनके लिए बहुत लाभदायक है। हम सभी ने COVID-19 का सामना किया है और जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते थे उनकी इम्यूनिटी मजबूत थी। उन्होंने कहा कि उसी तरह प्राकृतिक चिकित्सा भी आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करेगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, आज ये कार्यक्रम अग्रवाल भवन पे आयोजित किया है। अग्रवाल भवन को मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को सोचा और कंचन सेवा संस्थान को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने शहर गोरखपुर में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा विधि है जिसमें केवल व्यायाम और प्राणायाम के माध्यम से जो है इन चीज़ों का एक विभिन्न बीमारियां जो है
उन पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी दवा छोड़ दें, लेकिन अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा को साथ में अपनाएंगे तो निश्चित तौर से एक उसका एक बहुत बड़ा लाभ आपको जरूर मिलेगा। और उससे भी ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि जो है एक तो जितनी भी कोई भी इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है जिसका कि कोई साइड इफेक्ट हो। जैसे बहुत सारी दवाइयाँ जो है हमारे जो खाते हैं उसमें कई बार उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, किडनी डैमेज की प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ती जा रही हैं, इसी तरह से जो है कैंसर के भी जो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे जो खाने में और दवाइयों में उनका ये प्रभाव है जिसको आप दुष्प्रभाव कह सकते हैं साइड इफेक्ट से। तो निश्चित तौर से इस प्राकृतिक चिकित्सा विधि में अगर आप उसको खास तौर पे एक सही ढंग से करते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए मैं ये सभी से अनुरोध करूंगा, मैं तो जहां भी जाता हूं और कई बार स्कूल के बच्चों को भी ये प्रेरित करने की कोशिश करता हूं कि जो है अपने जीवन में व्यायाम बहुत आवश्यक है, और वही व्यायाम अगर आप सही तरीके से करते हैं तो इसी को आप प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। तो निश्चित तौर से ये एक बहुत उत्तम विधि है और गोरखपुर में ये आयोजित है। मैं समझता हूँ कि सभी को इसका जो भी उसको भी आवश्यकता है उसको जरूर लाभ उठाना चाहिए और सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में अगर आप नॉर्मल रहते हैं और इन चीज़ों को करते रहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा को या व्यायाम प्राणायाम, तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। अभी हम लोगों ने कोविड को झेला है, कोविड का दंश पूरे विश्व ने झेला है, तो निश्चित तौर से उनमें जिनकी इम्यूनिटी बेहतर थी, जिन्होंने प्राकृतिक तरीके से प्राणायाम और इन चीज़ों पर रहे, उनको एक बेहतर रिजल्ट मिला। बस इसी जैसा देखा जाता कि लोग देखिए मनुष्य एक बड़ा आलसी प्राणी, और वो जब तक उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती, कोई तकलीफ नहीं आती है, तब तक वो कोई भी काम करना नहीं चाहता। हम बहुत आसान विधि जानते हैं कि हाँ चलो यार एक दवाई खा ली और काम खत्म हो गया। तो निश्चित तौर से अगर आप मॉर्निंग वॉक जो लोग करते हैं उनके साथ अगर आप खड़े हों और उनसे पूछना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो ये कह दे कि साहब मैं नॉर्मल हूँ और सुबह टहलने के लिए निकला हूँ। या तो वो अपने किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा होगा, या जो है हम डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है इसकी वजह से हम वो व्यायाम शुरू करते हैं। ये व्यायाम अगर शुरू ही कर दें तो पहले ये बीमारियां ही क्यों आए। तो निश्चित तौर से प्राकृतिक चिकित्सा विधि, मैं समझता हूँ कि आप सभी एग्री करेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर हम उनको करते रहें पहले से ही नॉर्मल जब हम रहते हैं तो निश्चित तौर से बहुत लाभ होगा। पूर्वोत्तर रेलवे अपनी क्षमता के विस्तार के तहत चौरी चौरा सरदार नगर सेक्शन में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल का कार्य तेजी से कर रहा है। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे लगातार अपनी क्षमता का विस्तार कर रही है, जिसको देखते हुए ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल का काम तेजी से चल रहा। पहले चरण में मगहर सहजनवा सेक्शन में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल का कार्य शुरू किया, अब चौरी चौरा सरदार नगर सेक्शन में भी ये कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के पूरा होने से लाइन क्षमता बढ़ेगी और ट्रेनों की गति में भी वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि छपरा बाराबंकी मुख्य मार्ग पर सीतापुर बड़वल और छपरा वाराणसी प्रयागराज रूट पर भी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल का कार्य स्वीकृत है। इन मार्गों पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। चौरी चौरा सरदार नगर सेक्शन में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल का कार्य पूरा होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, अभी पूर्वोत्तर रेलवे लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार कर रही है और क्षमता विस्तार के क्षेत्र में एक बड़ा काम ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का चल रहा है। अभी पहले फेज में हम लोगों ने मगहर से सजनवा के बीच में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम शुरू किया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चौरी चौरा से सरदार नगर के बीच में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है। इस कार्य के होने से लाइन की क्षमता बढ़ेगी, जिससे ज़्यादा ट्रेनें हम लोग चला सकेंगे और आने वाले समय में जो रेल सेक्शन की स्पीड बढ़नी है उसमें भी ये ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम सहायक सिद्ध होगा। जैसा सभी को पता है कि छपरा से लेकर बाराबंकी तक जो हमारा मुख्य मार्ग है, सीतापुर से बुढ़वल और साथ में छपरा से वाराणसी होते हुए प्रयागराज तक, इन सभी मार्गों पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का कार्य स्वीकृत है और जो मेन लाइन है उसमें उसको टॉप प्रायोरिटी पे लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं और वहाँ काफ़ी तेज़ी से कार्य आगे बढ़ रहा है और इसके NI पूरा होते ही चौरी चौरा से सरदार नगर के मध्य भी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम के अंतर्गत गाड़ियों का संचालन शुरू हो जाएगा। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर
क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बीबीए, बीसीए, एमबीए और एमसीए। कॉन्टैक्ट KIPM, गीता गोरखपुर।